कांग्रेस सरकार में पूर्व में रहे मंत्री कुलदीप कुमार ने शनिवार को चिंतपूर्णी में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जयराम सरकार का जाने का समय आ गया है और पिछले 4.5 साल में विकास की बातें करने वाली बीजेपी सरकार के नेताओं ने जनता का विकास तो नहीं लेकिन अपना विकास जरूर किया। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने में जयराम सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जयराम सरकार के विधायक मिशन रिपीट की बातें तो कर रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं और यही कारण है कि आने वाले चुनावों में हिमाचल की जनता इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और आने वाले चुनावों के समय में बीजेपी के कई लीडर कांग्रेस में शामिल होंगे, जिससे साफ है कि जयराम सरकार हिमाचल में चंद दिनों की ही मेहमान है। ये जो 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निकले हैं वो बहुत ही एक निराशाजनक 4.5 साल हिमाचल प्रदेश की जनता के निकले हैं और सवाए जमलेबाजी के और कोई किसी चीज का विकास नहीं हुआ। सरकार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार, माफिया राज, शराब माफिया, रेता माफिया और ये सब का विकास हुआ है। और अभी अभी हाल में आपने देखा होगा कि नशे का भी विकास हुआ है, नशा माफिया भी है सक्रिय हुआ। तो सरकार 4.5 सालों में जितने MLA विधायक हैं उन्होंने स्वाये अपने विकास के अलावा जनता का विकास नहीं किया। जनता को जुमलों का छुनछुना पकड़ाते रहे और अब ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा ये स्लोगन रहा जब जब चुनाव आते हैं तो ये रिपीट का इनका परफेक्ट डायलॉग है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जन कल्याण की स्कीमें चलाई, जनहित के बारे में और इलाके का विकास कराया। माननीय वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र का, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस सरकार के समय में विकास किया है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज 4.5 सालों में मैं हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चिंतपूर्णी से ब्यूरो रिपोर्ट।